तो मेरे पास भी है, मैं भी ले गई थी ना, तो अमल को भी बड़ा पसंद आया था, मैं ले गई थी, बोल रहा था अच्छा है, तो मैं ये वाला ले लूँ अमल के लिए, गिफ्ट है ये, बर्थडे गिफ्ट है अमल के लिए। नहीं नहीं उसमें हम लोग सामान लिया था, उसका पेमेंट हो गया, तो बाहर सामान चेक हो रहा है अभी। तो हम जा रहे हैं अब यूनिवर्सल, तनिका के लिए मेरे को जूते लेने हैं, स्कूल के जूते, तो छोटे भी हो रहे थे जूते, कब से बोल रही थी वो गर्ल्स वाले जूते ला दो मम्मी करके, क्योंकि उसके बॉयज़ वाले हैं ना, तो वो उसको अच्छे भी नहीं लगते हैं। अभी हम शॉप में जूते चप्पल वाली, तो एक ही एक नंबर का लेके अब जाते हैं घर की ओर, जाए या कुछ खाएं रे, करके भूख भी लगी गई हम लोगों को, तो हम आ रखे हैं यहाँ पे एक छोटे से ढाबे में, तो खा रहे हैं मोमो, तो मोमो मंगा रखा है किसके, टेस्टी टेस्टी मोमो आ रहा है, किस किस के मुँह में आ रहा है पानी आ रहा है, तो उस पानी को निगल लीजिए और पास वाली दुकान में जाके मोमो खरीद के खा लीजिए। आपको दिल पे मत लीजिए, सीधे दिमाग में लीजिए, और कुछ गलती हो तो मेरे से उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो हमें इसके साथ स्पून दे रखा है, हम इससे नहीं खाते हैं, हम है ठेठ पहाड़ी, तो हम खाएंगे हाथ से, हाथ में पकड़ो चटनी लो, बहुत ही मिर्च ये पता है रहा, टेस्टी बने हैं, बड़े टेस्टी बन रखे हैं, गर्म बहुत दिनों बाद खा रही हूँ मैं ये मोमो, 5-6 महीने बाद खा रही हूँ मैंने, क्योंकि आजकल मैंने मोमो खा ही नहीं रखे हैं 5-6 महीने से, छोड़ दिया है, तो साथ अच्छे भी नहीं लगते मेरे को, तो साथ में थे अभी, तो साथ में खाए जाते हैं। तो हम अभी आ रहे हैं शॉर्ट रास्ते यूनिवर्सल से, क्योंकि वहाँ से शॉर्ट रास्ता भी है, काम्या के स्कूल में पहुँचता है सीधे, क्योंकि काम्या की छुट्टी 1:30 बजे हो जाती है, तो उसको लेते हुए जाऊँगी मैं, फिर घर जाके फिर उसको लेके आऊँगी तो उल्टा हो जाएगा, तो यहीं से लेके जाऊँगी। भांगीर, भांगीर की चटनी होती है, तो यहाँ पर लगा रखी है भांगीर, ये भांगीर का पौधा, उसकी चटनी बनती है, टेस्टी टेस्टी चटनी बनती है इसकी, देखिए फलदार वृक्ष ये है, पता नहीं ये क्या है, मुझे भी पता नहीं है, आता होगा कुछ काम, तो अच्छा लगा मेरे को, तो आप लोग भी देख लीजिए, देखो ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगूर, अंगूर जैसे लग रहे हैं अंगूर, तो मैं आपको ये खजूर का पेड़, ये देखिए खजूर, अभी छोटा है ये, हाँ ये बोना खजूर है शायद, हाँ यहाँ पे बाइक भी है नई किस्म की। स्कूल में पहुँच गए हम लोग, अब आधा घंटा है, अभी तो 1:05 हो रखे हैं, 1:30 बजे होती है उसकी छुट्टी, तो अब बैठे बैठे क्या करें यहाँ पर हम लोग, तो मैं बोल रही हूँ भाभी से सी रिश्तेदार का नंबर ढूँढो, फ़ोन करो, और वहाँ जाते हैं उनके घर में चाय वाय पी के आएंगे, ये कॉल कर रही है उनको, कॉल कर रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं वो, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारा, तो मेरे तो कोई रिश्तेदार है नहीं इधर, तो इनके हैं एक दो, वो भी कॉल नहीं उठा दे रहे, तो बैठे हैं क्या करें फिर, अब भाभी ने फ़ोन किया था अपने रिश्तेदार को, बोल रहे थे नहीं तो वहाँ बैठ जाएंगे थोड़ी देर, आधा घंटा है, तो उन्होंने फ़ोन उठाया भी नहीं, तो यहाँ पर बैठ रखे हैं हम लोग, तो अभी छुट्टी होती है फिर जाते हैं घर की ओर, फिर खाना वाना भी बनाना है यहाँ से जाके, फिर 2:30 बजे तनिका को लेने का टाइम हो जाता है, 2:30 बजे और आऊँगी मैं तनिका को लेने के लिए, तो बोलते हैं सामने मिलकर, बोलते हैं आते नहीं हो घर में, आते नहीं हो, तो अभी हमें ज़रूरत थी वहाँ पर जाकर बैठने की, तो फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने, बात नहीं हाला तुम्हारा रिश्तेदार नहीं आ रहा, रिश्तेदार है ना तुम्हारा, मेरे तो कोई सनी नहीं आ रिश्तेदार है, हाँ वो नहीं आ रहा रिश्तेदार अंदर का एरिया, तो मैंने तो फोन है ना उठाई दे देना मैंने चरू अच्छी तुम्हारी, ठीक है आ गई मैं स्कूल से, हाँ रोटी खाती हूँ
मैं चलेगी ना, नहीं चलेगी ना, मेरे पास सामान है बहुत सारा। चल क्या करना है, पानी पीना है आपको? चलो फिर अभी पियोगे। हाँ मेरे पास तो मेरे पास सामान है अभी तो, कामयाब चल रही है, नहीं तो ये चलती नहीं है बिल्कुल। आज सुबह भी चल के आई थी ये, तो अभी भी चल के जा रही है, और सुबह तो बादल लगे हुए थे तो अभी अच्छी सी धूप खिली है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है अभी। ये देखिए मेरे पीछे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, और मेरे से भी आगे भी हैं बच्चे जा रहे हैं, और ये हमारी कामया रानी, ये देखिए पैदल चल गई है। चल बाबू हाँ हाथ में लगा, गिर जाएगी बाबू मत कर, हेलो बोलो बाबू सबको, ये बाबा हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, सारे हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो बेटा। अभी इसका मन नहीं है बोलने का, तो अभी चल दे रही है, इतना ही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास अभी सामान है, ये हाथ में है सामान, इसका बैग मैंने पकड़ रखा है, और पीठ में है एक बैग। तो आज भाभी बोल रही है आप थक गए होंगे ब्लॉगिंग करते करते, तो खाना मैं ही बनाऊंगी बोल रही है, खाना मैं ही बनाऊंगी, सवाल ना दिन आप थक गए होंगे बोल रहे हैं, तो मैं ही इनके यहाँ जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और ये बोल रहे हैं कि चावल ही नहीं अबल हमारे, ये देखिए मैंने खाने की बात निकाली तो इनके चावल ही ख़त्म हो गई। अब बताओ ऐसी घर से लाओ अबल चावल, फिर बनाऊंगी बोल रही है। अच्छा तो मैं घर में बना लूँगी चावल, वहाँ देखिए कहाँ लगी रहूँ, नीचे जाना। एक काम्या काम्या बेबी देखो, इधर देखो, अभी तो चल रहा है मेरा बाबू, नहीं अच्छे से ना गुड गर्ल बनी है ना काम्या, अभी आज तो काम्या दौ चल के आई रही स्कूल से घर तक, आज तो काम मत करो बंद मत करो, चलो बंद करना गेट, हाँ चलो बंद कर दो, आ जाओ आपको पानी किसने नहीं पिलाया? मुझे साल का जीने ने पानी नहीं पिलाया। क्यों बाबू? बिल्कुल भी नहीं पिलाया। क्यों क्यों यार बता। मम्मा पानी, ये मैं अपने लिए लाई हूँ यहाँ पानी। तो हम लोग पहुंच गए कमरे में, तो प्यास भी लग रखी है तो पी लेते हैं बार पानी। मुझे लग गया प्यास, आपको भी लग गया प्यास है ना, हम दोनों प्यास लग गई है ना। हाँ यार आजा तो बता आपको क्या लगी है प्यास। तो हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए कामने ने और मैंने ना, तो मैं कामने के लिए एप्पल लाई हूँ, एप्पल खा रही है वो, और 2:30 बजे तनिका को लेने के लिए जाऊंगी मैं, और तनिका के लिए ला रखी हूँ मैं आज स्कूल के जूते लाई हूँ, तो देखते हैं तनिका का रिएक्शन क्या होगा। वो कब से बोल रही थी कि मेरे को ब्लैक वाले गर्ल्स वाले सूट चाहिए करके, तो मैं आज लेके आई उसके लिए, वहीं से यूनिवर्सल से लेके आई थी, तो मैं उसको स्कूल से आएगी उसके बाद को सरप्राइज दूंगी, तब खुश हो जाएगी वो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, तो इसका उसका रिएक्शन देखेंगे हम कि कैसा रिएक्शन होता है उसका। आ गई मैं स्कूल से तो उसके लिए सरप्राइज है, तो तनिका तेरे लिए सरप्राइज है कुछ के? आ जा आग बंद कर, हाँ आग बंद कर, चल आ जा आग बंद करना। कामया का रिएक्शन देखते हैं, ये ले तेरा गिफ्ट, क्या है देख खोल के देखना क्या है। एक्साइटेड है ये देखो, और फिट आए हैं हम पर जाते थोड़ी वो है सॉक्स पहन लेगी फिटनेस में ठीक रहेगा। मुझे चल उठ खड़ी हो, यस मां आप बहुत अच्छे हो। मुझे
ये है तनिका का रिएक्शन, तो इसको बहुत पसंद आए जूते। तो आप कपड़े चेंज कर ली, चल खाना वाना खा। तो अब मैं करा रही हूँ काम्या को स्कूल का वर्क। क्या कर रहे हो बाबा? ऐसे नहीं करती, चलो देखो, चलो और करो अच्छी से। अंदर ही धूप आ रखी है, तो वही खिड़कियों से अंदर धूप आ रखी है अच्छी सी। यहाँ पर धूप रहती है, शाम तक रहती है अंदर धूप, तो अंदर ही सेक लेते हम लोग धूप, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे मत करो ना, मत करो, लिखो अब। चलो क्या लिख रही हो? हाँ लिखो फिर, ओशियनार लिखो, ओशियनार लिखो, लिखो फिर। तो मैं चली गई थी, फिर लिखना चाहिए था ना, खुद ही लिखो। अगर आप खुद ही लिख पा रहे हो तो लिखो खुद ही, है ना। तो मत करना जी जी कर, मत करना। ये देखिए आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं कि अब खुद ही वर्क करेगी है। ये पढ़ती है नर्सरी में, ये इसको किसी की जरूरत ही नहीं है वर्क कराने के लिए, है ना। तो मेरे तो मजे हैं भाई, अब वर्क ये खुद कर ले रही है, कोई चिंता नहीं है। और हैंडराइटिंग तो मत कर मुझे, मेरा बेबी है, मेरी लाल, मेरे हरे पीले, वर्क कर बेटे। ओके।